मेरा नाम अमित शर्मा है मैंने गेट्स ट्वेंटी ट्वेंटी वन में ऑल इंडिया रैंक वन सिक्योर किया है इन सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मैंने अपना ग्रेजुएशन आई कानपुर से फिनिश किया था इन ट्वेंटी कॉलेज के टाइम पर ही मेरा एम था कि मैं यू इंजीनियरिंग सर्विसेज और गेट जैसे एग्जाम को क्वालिफाई करूँ और इसके लिए मैंने प्रिपरेशन अपनी फाइनल ईयर में स्टार्ट कर दी थी बट एट दैट टाइम माई ग्रेजुए माई प्रिपरेशन वॉज नॉट गुड इनफ आई वॉज लैक इंग द मोमेंटम रिक्वायर टू प्रिपेयर फॉर सच कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स बट उस समय मैं ड्रॉब भी नहीं ले सकता था बिकॉज ऑफ माई बिकॉज ऑफ मैनी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंस डट आई हैड तो इसलिए मैंने ग्रेजुएशन के बाद जॉब करना प्रेफर किया एज अ फिजिक्स फैकल्टी इन अ कोटा बेस्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट जॉब के दौरान जब मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने अपनी सारे फाइनेंशियल कंस्ट्रेंस फुलफिल कर दिए हैं तो मैंने ई और गेड का जो मेरा सपना था उसे दोबारा से जगाया और इसकी प्रिप्रेशन करना स्टार्ट कर दी फॉर देट आई रिजाइंड फर्स्ट इच वॉज अ बिग मोमेंट फॉर मी एज वेल बिकॉज आई वॉज अर्निंग क्वाइट हैंडसम चैलेंज एट अ टाइम सो आई रिजाइंड एंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द ई एस सी एंड गेट एग्जाम एट दैट टाइम मेरे बहुत सारे बैचमेट्स थे जिन्होंने ऑलरेडी ई एस सी और गेट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया था तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और उनसे मुझे लगा कि मैं भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ और अपनी एक्सपेक्टेशन पर खड़ा उतर सकता हूँ आई ई एस मास्टर के बारे में मुझे कॉलेज टाइम से ही पता था मैंने कॉलेज में ही अपने दोस्तों ने मुझे जब रिकमेंड किया तो मैंने आई मास्टर का पोस्टल कोर्स वहाँ परचेज़ किया और इसने मुझे काफ़ी हेल्प की मेरे नोट्स प्रिपेयर करने में और एक सही मोमेंटम सेटअप किया एक सही गाइडेंस प्रोवाइड की कि, कि किस तरीके से ई की तैयारी या फिर गेट जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी हमें करनी चाहिए आई वुड लाइक टू थैंक आई मास्टर फॉर दिस एंड आई आई वुड आल्सो लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट आई मास्टर बिकॉज ऑफ दियर सक्सेस डेट डे अचीवड इन गेट ट्वेंटी कॉन्ग्रेचुलेसन अमित शर्मा फॉर सिक्योरिंग ऑल इंडिया रैंक वन इन गेट टू थाउजेंड एंड ट्वेंटी इंजीनियरिंग ब्रांच मैमितूज गेट एट फर्स्ट प्लेस गेट देने के बाद बहुत सारे डोर्स ओपन हो जाते हैं आप हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं आप चाहें तो पी एस यू के लिए भी जा सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस मोटिवेटेड मी टू अपियर फॉर देट एग्जाम हाउ डू डू योर वॉट एनालिसिस दिस मैंने लास्ट ईयर गेट का एग्ज़ाम दिया था और तब मैंने अपनी गलतियाँ बहुत अच्छे से वहाँ पर एनालाइज़ की जो पहली चीज़ एक स्टूडेंट को नहीं करनी चाहिए वो ये कि अपने आप को एक्सक्यूज़ नहीं देने चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल लास्ट ईयर मैंने सेवनटी नाइन मार्क्स समथिंग स्कोर किए थे और कुछ मेरी वहाँ पे सिली मिस्टेक्स भी थी तो नॉर्मली जो पहला हमारा रिएक्शन था वो ये कि अगर काश मैंने ये सिली मिस्टेक्स नहीं की होती तो मेरी रैंक बहुत अच्छी आती ये जो विशफुल थिंकिंग है ये बहुत ही डेंजरस है जब तक आप खुद ही ये अपने मानने को रेडी नहीं है कि आपके आप में सुधार की जरूरत है या फिर आप सुधार कर सकते हैं सुधार की गुंजाइश है तब तक आप सुधार कर ही नहीं सकते तो पहली चीज़ ये है कि पहले तो आपको मानना पड़ेगा कि हाँ कुछ चीज़ें हैं जो अभी आप लैक कर रहे हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं आप उन्हें लग के भरोसे नहीं छोड़ सकते तो यहाँ मैंने उन चीज़ों को स्पेसिफाई करना स्टार्ट किया कि ठीक है मुझे कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और एक साल तक उन चीज़ों पर वर्क किया व्हाट वार्केंड एंड ट्वेंटी वन गेट ट्वेंटी में तो है तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं। बहुत अच्छी रैंक लाने की तो अगर आपको एक डिसेंट रैंक लेकर आनी है यानी कि आपको टॉप 500 में में रैंक लेकर आनी है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट आपकी ये हो जाती है कि सारे कॉन्सेप्ट्स आपके एकदम क्लियर होने चाहिए किसी भी कोई भी आपका वीक एरिया नहीं रहना चाहिए उसके बाद अगर आपको 80 प्लस की जो बाउंड्री है अगर उसे पुश करना है तो आपको बहुत सारे छोट छोटे छोटे फैक्टर्स हो जाते हैं जिनके ऊपर आपको वर्क करना होगा फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे लिए सबसे पहली चीज़ ये थी कि ये फिगर आउट करना कि, कि किस तरीके के क्वेश्चन में मैं गलतियाँ कर देता हूँ तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने वो क्वेश्चन देखे जहाँ पर मैंने गलती की थी ड्यूरिंग द माई टेस्ट सीरीज़ फिर उसके बाद ये सोचना कि ठीक है इस क्वेश्चन को अप्रोच करते समय मेरा मेंटल फ्रेमवर्क क्या था कि मैंने जो गलती की है वो किस वजह से की है क्या मैं जल्दबाजी में रह गया

थ्योरी मैंने काफ़ी रिवाइज कर ली थी तब तक क्योंकि मैं दो साल तक से तैयारी करता हूँ तो थ्योरी इतनी इतनी बड़ी दिक्कत नहीं थी मेरे लिए मैंने क्वेश्चन लगातार पेपर करना स्टार्ट किए जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन थे मैंने लगभग बीस से पच्चीस दिन में वो सारे लगा दिए और साथ ही साथ मैं टेस्ट सीरीज भी देता रहा और वहाँ पर जो भी क्वेश्चन पर मैं गलती करता था उन्हें बहुत ही रिलीजियसली मैं एनालाइज़ करता था अगर आप केवल टेस्ट सीरीज दे रहे हैं और उनके उन्हें अपनी गलतियों को रियलाइज नहीं कर रहे हैं अपनी गलतियों को एनालाइज़ नहीं कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज़ देने का कोई मीनिंग रह नहीं जाता उस केस में तो अगर आप टेस्ट सीरीज दे रहे हैं तीन घंटे अगर आप बैठ कर टेस्ट देते हैं तो कम से कम डेढ़ से दो घंटे दीजिए अपनी गलती गलतियों को समझने के लिए और उन्हें रेक्टिफाई करने के लिए जो भी मेजर्स हैं उन्हें लीजिए इन इनिशियल मोमेंट एट एग्जाम हॉल हाउ डिड यू मैनेज योर यम एंड कम्पोजर जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं पहले भी गेट दे चुका हूँ तो वहां से मैंने एकदम से ये रियलाइज कर लिया था कि नॉलेज कोई बैरियर नहीं रह गया है जब मैंने गेट का एग्जाम दिया था 2020 में मैंने ये रियलाइज कर लिया था कि अगर मैं चाहूँ तो बहुत अच्छे मार्क्स आ सकता हूँ 90 प्लस मार्क्स भी लेके आए जा सकते हैं गिवन कि मैं सिली मिस्टेक्स नहीं करता हूँ और मेरा जो मेंटल फ्रेमवर्क है वो बहुत सही रहता है तो ये जो कॉन्फिडेंस था वही मेरे लिए कहीं ना कहीं इनफ था कि अपने आप को काम रखने के लिए और कंपोज रखने के लिए ड्यूरिंग माई एक्चुअल एग्जामिनेशन टेल इज वॉट रैंकर किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हाई एंड लोज दोनों आएंगे कुछ टाइम होगा जब आप बहुत ही हाईली मोटिवेटेड फील करेंगे आपका जो भी टारगेट थे जो आपने खुद से इस्टेब्लिश किए थे वो आपके फुलफिल हो रहे हैं कई बार ऐसा मोमेंट भी आएगा जो आप अपने टारगेट्स को हिट नहीं कर पा रहे हैं या फिर जो आपकी अपने आप से एक्सपेक्टेशन है आप उन पर खड़े नहीं उतर पा रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि ये हर कैंडिडेट के लिए एक साइकिल है ये जो कि हमेशा रहेगी नो no मैटर कि आप कौन सी रैंक लेकर आते हैं हर कैंडिडेट इस ना इस साइकिल से एक ना एक बार गुजरता है तो आपको अपने आप को ये समझा के रखना है कि अगर आप अभी लो फेज़ में है आप अपनी टारगेट्स को हिट नहीं कर पा रहे हैं या फिर डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं इट इज़ जस्ट अ फेज इट विल पास बट अगर आप इससे काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में सोचने लग जाते हैं और इससे डिमोटिवेट होने लग जाते हैं तो यहाँ लॉन्ग टर्म में आपको दिक्कत आ सकती है अगर आप अपने लो साइकिल पर ही अगर आप अच्छे से वहाँ पे अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते हैं तो अगर अपने आप को सेल्फ मोटिवेट नहीं कर पाते हैं तो क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन कुछ टाइम तक ही आपकी हेल्प करेगा वो बहुत जल्दी वियरफ हो जाता है अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको आएगी तो कोशिश कीजिए अपने आप में वो इनर मोटिवेशन फाइंड करने की विदाउट दिस कोई भी कम्पिटिव एग्जाम लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए टेल अस अबाउट वेदर यू आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स इंजीनियरिंग सर्विसेज स्टार्टिंग से ही मेरी प्रिपरेशन ईएससी प्लस गेट फोकस्ड थी मैंने स्टार्टिंग से अपनी प्रिपरेशन ईएससी को उसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था और अपना सारा सिलेबस कंप्लीट किया और इसी की वजह से मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ईएससी प्रीलिम्स और मीन्स क्वालीफाई किया और अभी ग्यारह मई को ग्यारह मार्च को मैं मेरा इंटरव्यू भी था तो होपफुली आई विल गेट सिलेक्टेड इन ई ए एज वेल और साथ ही साथ जो गेट है और ई ए इन दोनों का जो सिलेबस है काफ़ी अच्छा काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप करता है और काफ़ी इनमें डिफरेंस भी नहीं है और गेट भी आपको एक एक, एक अलग से अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकता है एक डिफरेंट सेट ऑफ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सकता है सो आई अपील फॉर गेट इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू प्रीवियस ईयर तो फिर फर्क मुझे क्वेश्चन पेपर में तो नहीं लगा बस अपने मेंटल सेटअप में लगा लास्ट ईयर मुझे याद है कि थोड़ा फियर था मेरे अंदर कि मेरी परफॉर्मेंस कैसी होगी क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे क्या मुझे आएंगे या फिर बहुत सारे सेट डाउट मेरे अंदर था उस समय बट इस साल जब मैंने गेट के लिए अपेयर हुआ तो मैं एकदम इसका क्लियरिटी के साथ हुआ कि हाँ अगर मैं चाहूँ तो हंड्रेड मार्क्स भी कोई दूर नहीं है हंड्रेड मार्क्स लाने में और ना लाने में केवल अंतर मेरी सिलिंग मिस्टेक्स का हो सकता है इसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं रहेगा तो इस एटीट्यूड के साथ मैंने क्वेश्चन सर मुझे, मुझे मैं कुछ इतना फर्क नहीं लगा डू यू थिंक बींग फ्राम एन आई आई टी गिव एन एक्स्ट्रा बेनिफिट इन सिक्योरिंग अर मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता एक एवरेज इंटेलिजेंस मोदा इनफ है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप मान के चलिए कि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वहाँ पर की रोल जो प्ले करेगा वो आपकी कंसिस्टेंसी है अगर आपके पास कंसिस्टेंसी है तो ठीक है हो सकता है कि अगर आपका स्टार्टिंग बैकग्राउंड एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं है हो सकता है आपको इनिशियली थोड़ा सारा टाइम लगे बट एक बार वो आपने टाइम दे दिया आपने अपनी कंसिस्टेंसी वहाँ पे दिखा दी उसके बाद कोई भी सिग्निफिकेंट फर्क नहीं पड़ता है आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि जिनका आईआईटी से कोई लेना देना नहीं है बट वो बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म कर देते हैं बहुत अच्छे आई को भी तो आई से होना हाँ मे बी थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो सकता है ड्यूरिंग द इनिशियल डेज ऑफ प्रिपरेशन बट ओवरऑल अगर हम बिगर पिक्चर को देखें तो कंसिस्टेंसी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल है हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट आई ई एस मास्टर आई एस मास्टर के बारे में मुझे कॉलेज टाइम से ही पता था मेरे काफ़ी सारे दोस्त थे जो कि आई मास्टर का प्रोग्राम मैंने पोस्टल प्रोग्राम ले रखा था क्योंकि कॉलेज में थे हम सभी लोग तो वहाँ पर मैंने खुद से देखा पोस्टल प्रोग्राम को तो मैंने जो है वो काफ़ी कम्प्रीहेंसिव लगा कि हाँ इसमें कोई भी चीज़ है अगर मैं इसे कवर कर लेता हूँ तो कुछ भी मुझे एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है तो मैंने भी उसे परचेज़ किया और अपने नोट्स बनाना स्टार्ट किए स्टार्टिंग में अगर आप पोस्टल प्रोग्राम को देखेंगे तो थोड़ा डर भी लगता है कि इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं कैसे ही कंप्लीट होंगी बट कहीं ना कहीं जब ये कॉन्फिडेंस रहता है कि ठीक है कितनी भी मोटी बुक हो एक बार कम्प्लीट कर लीजिए नोट्स बना लीजिए अच्छे से इसके बाद आपको कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये जो कॉन्फिडेंस होता है ये काफी असेंशियल है अगर आप किसी भी जगह भरोसा कर रहे हैं तो आपको लगना चाहिए कि हाँ यार, यार यहाँ पे सब कुछ हो जाएगा ठीक है थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा ज्यादा डेडिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी बट एक बार आपने अपना टाइम वहाँ पे दे दिया एक बार अपनी डेडिकेशन वहाँ पे दिखा दी तो आपको फालतू की चीजों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी हाउ आई एस मास्टर स्टडी मटेरियल यू ड्यूरिंग गेट प्रिपरेशन आई एस मास्टर का स्टडी मटेरियल मुझे काफ़ी कम्प्रीहेंसिव लगा सारी चीज़ें इन्होंने काफ़ी अच्छी तरीके से कवर कर रखी थी जो भी डेफिनीशन स्टैंडर्ड डेफिनीशन होती हैं काफ़ी पॉइंट बाय पॉइंट इन्होंने कवर की थी जो एजुके जो यहाँ पे सॉल्व एग्जांपल्स होते हैं उन्होंने बहुत अच्छी हेल्प की मिली यहाँ पर क्योंकि स्ट्रक्चर एनालिसिस की अगर हम लोग बात करें तो कॉलेज के टाइम पर अगर यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ स्ट्रक्चर एनालिसिस मेरा बहुत ही वीक सब्जेक्ट था लेकिन जब मैंने यहाँ पर आई एस मास्टर का पोस्टल प्रोग्राम यूज़ किया तो मुझे रियलाइज हुआ कि इतना भी मुश्किल नहीं है जितना मुझे लगने लगा था और मैंने बहुत ही अच्छे से केवल एक बुकलेट की हेल्प से बहुत अच्छे से पूरे कोर्स को कम्प्लीट किया और काफ़ी कॉन्फिडेंट मैं उसमें फील करने लगा सो मच फॉर कि बाद में जब मैंने उस पूरे प्रोग्राम को कंप्लीट किया तो मेरा स्ट्रक्चर एनालिसिस बहुत ही स्ट्रॉग पार्ट बन चुका था तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि आई एस मास्टर का अगर आप पोस्टल प्रोग्राम लेते हैं और आई एस मास्टर का कोई भी प्रोग्राम अगर आप लेते हैं तो आप मान के चलिए कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है और सारी चीज़ें बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बता दी जाएंगी तो ये मत सोचिए कि आपका बैकग्राउंड क्या है आप कहाँ से आते हैं अगर आपने आपको बस वहाँ पे देख अपने आपको पूरी डेडिकेशन से वहाँ पे समर्पित कर दीजिए और आपका बहुत ही अच्छा वहाँ पे आउटकम आ सकता है हाउ डिड आई एस मास्टर इन क्लियरिंग योर स्टार्टिंग में जब आई एस मास्टर से मैंने किया फिर प्रिपरेशन स्टार्ट की थी अगर कोई भी डाउट थ्योरी से रह जाता है तो मैक्सिमम चांसेस है कि वो सोल्व एग्जाम्पल्स से आपका क्लियर हो जाएगा क्योंकि मल्टीपल सॉल्व एग्जाम्पल्स आपको दे रखे होते हैं अगर आपको कोई भी यहाँ पे लगता है कि ये पर्टिकुलर टॉपिक आई एस मास्टर के मटेरियल ने मेरी लॉकडाउन के टाइम पर भी काफी हेल्प की थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लॉकडाउन जो भी तीन से चार महीने का हमारे पास टाइम था उस समय मेरे पास मेरे खुद के नोट्स थे ही नहीं मैंने डायरेक्टली स्टडी मटेरियल उठाया और लिटरली नोट्स के जैसे परफॉर्म किए उनमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा था जो जिसकी रिक्वायरमेंट ना हो और जितना जिस भी चीजों की रिक्वायरमेंट थी काफी एक्सप्लिसिटली वो चीजें मैं कर रखी थी तो इससे काफी लिमिटेड टाइम इंटरवल में मैंने बहुत अच्छी, बहुत अच्छी अच्छा ग्राउंड कवर कर लिया और बहुत अच्छी तरीके से अपने नोट्स को रिवाइज कर लिया हाउ डिड यू मेनटेन द स्पीड एंड एक्यूरेसी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अवॉइड नेगेटिव मार्किंग इन गेट एग्जाम जब भी आप एक क्वेश्चन को कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप से पूछना पड़ेगा कि क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं लास्ट ईय जो मैंने गड़बड़ की थी वो ये कि हाँ अगर मैं किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर भी सकता हूँ तो बिकॉज ऑफ टाइम कंसिल मैंने उसे इनफ टाइम नहीं दिया जिसकी वजह से या तो वो गलत हो गया या फिर जो मुझे जो रिक्वायर्ड आउटकम था वो वहाँ से नहीं आया इस साल जो डिफरेंस था वो ये कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है मैं उसे इनफ टाइम दूंगा अगर गेवन कि मेरे पास इनफ टाइम है अगर मेरे पास इनफ टाइम नहीं है तो आपको वहाँ पर हार्ड डिजीन लेने पड़ेंगे आपको हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन छोड़ने पड़ जाए आपसे शायद सॉल्व हो सकते थे अगर इनफ टाइम वहाँ पर प्रोवाइडेड है और अगर आपके पास इनफ टाइम है तो प्लीज उसको इनफ टाइम दीजिए ये मत सोचिए कि ऑन एन एवरेज आपके पास दो से तीन मिनट है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके विदिन अ मिनट कंप्लीट हो जाएंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मोर्देन फाइव मिनट्स का टाइम लेंगे तो उसे इनफ टाइम दीजिए एकदम काम एंड कूल रहिए और अच्छे से क्वेश्चन को कीजिए टेल द सीक्रेट ऑफ मेकिंग ऑफ रैंकर बिकॉज एवरी वन स्टडीज द सेम थिंग एक्चुअली इट टेक्स टू बी अ जो बेसिक डिफरेंस है वो मेंटल सेटअप का ही है इससे अलावा इसके अलावा कोई और सेटअप में कोई डिफरेंस है नहीं सभी बच्चों के पास वही स्टडी मटेरियल है सभी वही नोट्स रेफर कर रहे हैं और सभी पढ़ाई भी कर रहे हैं ऐसा नहीं है जो भी सिंगसियर बच्चा होता है अगर आप किसी फाइव हंड्रेड रैंकर की भी बात करें उसने भी बहुत अच्छे से पढ़ाई की है और जो टॉप टेन रैंकर्स है उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है जो मेन डिफरेंस है वो है मेंटल सेटअप का कि उन्होंने किस तरीके से अपने उन तीन घंटों के लिए प्रिपरेशन की है आपको एकदम डेडिकेटेड प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और किसी भी चीज को लक के भरोसे नहीं छोड़ना है टेक अस थ्रू दैट मोमेंट वेन यू गॉट टू नो अबाउट द रिजल्ट एक्चुअली आई एस मास्टर कॉन्टेक्ट मी फर्स्ट एट दैट टाइम और जब मुझे पता चला कि हाँ मेरी फर्स्ट रैंक आ रही है तो ऑब्वियसली यकीन नहीं होता है क्योंकि हम जब प्रिपरेशन करते हैं तो हम एट द वेरी बेस्ट हम टॉप टेन या टॉप ट्वेंटी रैंक रैंक को हम एम करते हैं ऑब्वियसली हमारे मन में होता है कि हाँ रैंक वन आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा बट उसके लिए आप स्पेसिफिकली ये नहीं कह सकते कि मैंने ए आई वन के लिए ही प्रिपेयर किया था और टू कैसे आ गई ये तो आप ये तो एकदम मीनिंगलेस बात हो जाएगी तो हाँ मैंने प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी की थी और मैं एकदम श्योर था कि हाँ मेरी इस बार टॉप ट्वेंटी में रैंक आ रही है और अगर मेरा पेपर बहुत अच्छा जाता है तो हाँ मैं टॉप टेन में भी रहूँगा ए आई वन के लिए मतलब बहुत सारी छोटी मोटी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आउट ऑफ योर हैंड प्ले कर जाती हैं और तभी आपको एक बहुत अच्छी रैंक देखने को मिलती है यहाँ पे आपको वो उन हर छोटे फैक्टर्स को अकाउंट करना पड़ेगा जो आपके उस दिन को या उस दिन की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकते थे और अगर आपने ये सारी चीज़ें कर रखी हैं तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति होगा जो कि ए आई नहीं ला पाए या फिर बहुत अच्छा स्कोर ना कर पाए गेट में बहुत अच्छी फीलिंग आई थी सर मतलब लिटरली मुझे स्टार्टिंग में यकीन नहीं हुआ था जब मैंने मुझे पता चला कि मेरी गेट में ऑल इंडिया रैंक वन आई है तो स्टार्टिंग में होता है कि ओके लेट मी चेक इट फर्स्ट बिना उसके मतलब होता है ना कि आधी कच्ची आधी पक्की आप खुशी नहीं मना सकते तो मैंने पहले चेक किया और जब मैंने रियलाइज किया कि हाँ सच में मेरी गेट रैंक वन आई है तो मैं बता नहीं सकता कितना खुश था मैं उस समय वॉट इज योर मैसेज फॉर कानपुर नो मैटर आपकी आगे फ्यूचर जर्नी कैसी होने वाली है आपकी प्लान्स क्या हैं आपकी प्रिपरेशन किस तरह की होने वाली है सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है वो है कंसिस्टेंसी आप किसी भी एग्जाम की बात कर लें जरूरी नहीं है कि वो गेट या फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड भी हो किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कंसिस्टेंसी प्लेज अ की रोल अगर आपने कंसिस्टेंटली उस चीज की ईमानदारी से पढ़ाई की है देन एक्सपेक्ट द बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम योर यहाँ पर आपके अंदर सेल्फ डाउट नहीं आना चाहिए कि क्या हो क्या पता है उस दिन ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए इन चीज़ों के बारे में सोच के अपने उस दिन को उस दिन की परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट मत होने दीजिए जस्ट बी कॉन्फिडेंट कि अगर आपने पूरे एक साल डेढ़ साल अच्छे से प्रिपरेशन की है किसी पर्टिकुलर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तो आपका बेस्ट रिजल्ट ही आएगा कई बच्चे उन इन चीज़ों से डरते हैं कि बहुत सारे मेरे जैसे बच्चे हैं जो कि इसी तरह से तैयारी कर रहे हैं तो ध्यान है वो आप ही के जैसे बच्चे जिनसे आप डर रहे हैं आपको अपने जैसे बच्चों से डरने की जरूरत नहीं है वो आप ही जैसे बच्चे हैं जो कि कंटिन्यूसली अपना इनपुट दे रहे हैं और आप ही में से एक होगा वो कोई जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा अमित Do you think being a faculty for a competitive exam was beneficial for this exam also? कुछ एडवांटेज तो मुझे वहाँ से मिला था। As a faculty, जब मैं बच्चों को एक थर्ड पॉइंट से थर्ड पॉइंट पर्सपेक्टिव से देख रहा हूँ, तो वहाँ मुझे समझ में आता है कि एक बच्चा जो कि बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहा है, उन रिलेट से दो बच्चे बहुत अच्छी हैं उनमें से एक बच्चा होगा जो कि उसे रिजल्ट में कन्वर्ट कर पा रहा होगा और दूसरा होगा जो कि रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर पाता होगा उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है मुझे एक बहुत ही ब्रॉड उसका आइडिया लग जाता है और बहुत सारे बच्चे जो कि मेरे अंडर परफॉर्म मेरे अंडर जिनको मैं गाइड कर रहा हूँ उनके उन्हें देखकर एक मुझे बच्चों की साइकोलॉजी बहुत अच्छी से समझ में आती है कि बच्चे कहाँ कहाँ लैक कर सकते हैं तो मुझे वो गलती खुद से करने की ज़रूरत नहीं पड़ती तो यहाँ एज अ फैकल्टी मुझे सच में यहाँ पे एज अ मेंटल फिल्म की जगह मैं बात करूँ तो यहाँ पे मेरी काफ़ी मदद हो गई थी लेकिन लेकिन एक दिक्कत यहाँ पर ये आती है कि जब आप किसी भी जॉब में हैं और आप साइमेंटेनियसली तो किसी एग्जाम का प्रिपेयर कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट कहीं ना कहीं करना पड़ेगा विदाउट टाइम मैनेजमेंट बहुत दिक्कत आई क्योंकि आपको पहले ही एक जगह परफॉर्म भी करना है जैसे जहाँ पे आप अपनी रोज़ी रोटी कमा रहे हैं वहाँ पे आपको अच्छा परफॉर्म भी करना है साथ ही साथ आपको अपनी प्रिपरेशन का भी ध्यान रखना है तो वहाँ पर आपको कहीं ना कहीं अपने सेक्रीफाइसिस चुनने पड़ेंगे बहुत सारे आपके फ्रेंड्स होंगे जो आप ही के कलीग हैं अगेन वो भी आपकी जितना जितने क्या कहते हैं सैलरी ले रहे हैं और बहुत अच्छी और लाइफ जी रहे हैं वहाँ पर बहुत ही चिल्ड लाइफ जी रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं वहाँ पर ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि ठीक है मैं अभी ये चीज़ें नहीं कर सकता मे बी बाद में कभी इन फ्यूचर हम ये चीज़ें देखेंगे और वहाँ पर आपको वो टाइम कहीं ना कहीं डिवोट कही करना पड़ेगा इफ़ यू फेल टू टू चूज योर सेक्रीफाइज तो दिक्कतें बहुत ज़्यादा आ जाती हैं उस स्टार्टिंग में जब मैं एज अ फैकल्टी प्रिपेयर कर रहा था तो उस समय मेरे पास जो पोस्टल प्रोग्राम था और जो मेरे खुद के नोट्स थे उन्होंने ही मेरी बेसिकली हेल्प की थी क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कुछ वहाँ पे ज़्यादा था नहीं Throughout the, my throughout my preparation as a faculty मैंने अपना notes अच्छे से बना रखे थे और सारी चीज़ें मैंने एक broad perspective में cover कर रखी थी us a little about your family। My father is a कांस्टेबल और मेरी mummy housewife वाइफ है एंड मेरे मैं और मेरा मेरी एक छोटी बहन ही है family में बहुत छोटी family है हम लोगों की यहाँ पर बस मेरी family में एक जो नया सदस्य है वो मेरी wife है जिन्होंने मुझे continuously motivate किया during my preparation और मुझे मेरे मेंटल फ्रेमवर्क को उन्होंने कहीं ना कहीं बनाए रखा जब भी मैं सेल्फ डाउट की स्थिति में होता था तो उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया और काफ़ी अच्छे से गाइड किया फ्रॉम वेयर यू डिड योर स्कूलिंग मेरी बेसिक स्कूलिंग ग्वालियर से ही हुई थी ग्वालियर शंकर हाई स्कूल में मैंने अपनी टेंथ तक की पढ़ाई की थी और वहाँ मैं एक ब्लो एवरेज स्टूडेंट था लेकिन वहाँ एजा मैं ब्लो एवरेज स्टूडेंट से एक अच्छे स्टूडेंट का जो जो पूरा सफ़र था उसी स्कूल के अंदर मैंने कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं पूरा किया था और इसके लिए वहाँ पे जो मेरे मेरे जो टीचर्स थे जो वहाँ पे फैकल्टीज थी उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से गाइड किया और मोटिवेट किया और उन्होंने ही मुझे एक कहीं ना कहीं मार्ग दिखाया कि जिस पोजीशन पे मैं टेंथ क्लास तक पहुँच चुका था कि मुझे अब आईआईटी के आई आई की तैयारी करनी चाहिए अदरवाइज़ मुझे उस समय तक आई का नाम भी नहीं पता था कि आई क्या होती हैं फिर उन्होंने मुझे गाइड किया कि किस तरह से तैयारी की जा सकती है तो मैंने वहाँ पर तैयारी करना स्टार्ट किया और इलेवन ट्वेल्थ में बस आँख बंद करके बहुत अच्छे से मेहनत की और सम हाउ आई गॉट सेलेक्टेड इन आई आई टी कानपुर फॉर आई टी कानपुर आफ्टर आफ्टरट जब मैं आई कानपुर में पहुंच गया तब मैंने रियलाइज किया कि ठीक है सिविल इंजीनियरिंग में क्या क्या बेस्ट चीज़ें हम कर सकते हैं और तब मुझे यू इंजीनियरिंग सर्विसेज का पता चला और मैंने वहीं मन बना लिया कि मुझे ये कहीं ना कहीं करना है तो वहीं से मेरा मन में था कि मुझे ये यू इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी करनी है और तभी आई मास्टर का मैंने पोस्टल प्रोग्राम परचेस किया जिसने मुझे स्टार्टिंग से हेल्प करना स्टार्ट की और मुझे एक सही डायरेक्शन में गाइड किया यू हैव बीन एन स्टूडेंट हियर एट आई मास्टर We thank you so much for giving us time and for sharing your experience. God bless you. Thank you, ma'am.